आज अंतिम दिन है तो निश्चित रूप से हर चीज़ का हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च या सबसे अच्छा प्रदर्शन हो, चाहे वो काउंटिंग हो, चाहे रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, चाहे वो कैंडिडेट्स की संतुष्टि हो, लोगों का विश्वास हो। और सारी तैयारी हो चुकी है, कई राउंड्स की तैयारी, मतगणना पूर्ण भी हो चुकी है। जो भी विगत 9 चरणों में हम लोगों ने इसमें सीखा है, हर चरण हम लोग ने प्रयास किया कि अगले चरण में उसको अगर कोई समस्या आई तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। और एक अच्छी बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी, खगड़िया के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं उसकी सराहना स्वरूप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक टीम आज यहाँ पर भेजी है, जो पूरी गतिविधियों को बारीकी से देखते हुए इसको ऑब्जर्व कर रही है, उसको डॉक्यूमेंट कर रही है, गुड प्रैक्टिसेस को देख रही है। और उनके उनके लिए भी खगड़िया जिले के लिए काफ़ी प्रशंसा है। उनका कहना है कि बाकी ज़िलों में भी उन्होंने देखा है लेकिन अच्छी, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। तो ये पूरे टीम का योगदान इसमें रहा है, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो मतदान कर्मी हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी हों, पुलिस बल हो, होमगार्ड्स हों, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान रहा है। और समेकित प्रयास से ही हम लोग इसको पंचायत चुनाव को इतना सफल बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। अपेक्षा है कि जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, सब में एक विश्वास निर्वाचन के प्रति जगेगा। पहली बार आधार बेस्ड हम लोगों ने वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया है, OCR टेक्नोलॉजी से पहली बार रिजल्ट डिक्लेरेशन कराया जा रहा है, सभी टेबल्स की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। मतदान या मतगणना की अगर बात करें तो 4-4, 5-5 दिन लग जाता था मतगणना करने में, और वो घटकर अब महज 6-7 घंटे तक में सीमित हो गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क चेंज जो है पंचायत चुनाव ने इस बार देखा है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे इससे और भी बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, कुछ नई चीज़ें और लाएंगे जिससे कि कैंडिडेट्स साथ ही साथ लोगों में विश्वास जो है आयोग के प्रति बना रहे, जिला प्रशासन के प्रति। खगड़िया जिला, जैसा आप जानते हैं कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, और जिस समय पंचायत चुनाव की घोषणा हुई और जो पहले 2-3 चरण रहे, आप अवगत हैं कि कई जगहों पर, कई ब्लॉक्स में बाढ़ जैसी स्थिति थी, भारी वर्षापात हो रही थी। इन सब के बीच सारी परेशानियों को से उबरते हुए, सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, वैसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर आना जाना भी कठिन है, वहां पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची। मैं स्वयं SP और बाकी लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ वहां मैंने खुद भ्रमण किया, और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव बाकी टीम पर भी पड़ा। लोग भी भ्रमणशील रहे और लोगों में एक विश्वास था कि जब सुदूर क्षेत्रों तक पदाधिकारी पहुंच रहे हैं तो सुरक्षित हाथों में हैं, और निष्पक्ष और भय रहित माहौल में उसमें मतदान करने की जो उनकी मंशा थी वो पूर्ण हो। जिला प्रशासन तो सबके साथ है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में जनता डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा, जो जीते जो हारे। खुशी इस बात की है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई, और जो लोग हारे भी हैं उन्होंने सहर्ष अपनी हार को स्वीकार किया। ये अपने आप में एक अच्छी कैमराडरी को दिखाता है, एक टीम स्पिरिट को दिखाता है, लोगों में विश्वास जगा है। आने वाले चुनाव में और इससे बेहतर करने का हम लोग को इससे प्रेरणा भी मिलती है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। मैं मीडिया का खासकर आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो रही, साथ ही कई जगहों पर जो कमियां रह गई थी उसको आप लोगों ने उजागर किया। MCC वायलेशन के जो केसेस हम लोगों को दिन रात प्राप्त होते थे उस पर पूरी टीम ने काम किया। रात में 1-1 बजे 2-2 बजे जाकर भी मैं और SP साहब भी गए थे, हम लोग अलौली में कुछ समस्या हुई थी, तो इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ा। और निष्पक्ष रूप से हम लोग जहाँ भी जाते थे लोगों से पूछ रहे थे, और एक स्वर में सबने कहा कि किसी प्रकार से उनको किसी का भय नहीं है और निष्पक्ष रूप से हम लोग मतदान करेंगे बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी प्रलोभन में आए। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश जनता ने अपने आप के लिए दिया। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी लोगों का, जो भी इससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, सभी वोटरों का, जिन्होंने बड़ी संख्या में बारिश धूप को झेलते हुए भी मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं।